खबर लखनऊ से, जहां मंत्री कपिल देव अग्रवाल मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। सरकार और संगठन के मंत्री ने बदनामी कराई थी। मंत्री कपिल देव, मंत्री के भाई और मोबाइल कंपनी के मालिक ने विपक्ष को एक और मौका दिया तो सफाई देने से क्या पाक साफ हो गए मंत्री कपिल देव अग्रवाल? ये बेहद अहम सवाल यहाँ उठता है और साथ ही ये भी एक सवाल बनता है कि मंत्री के भाई की गिरफ्तारी आखिर कब होगी? मोबाइल कंपनी के मालिक हुए हैं। भूमिगत सूत्रों के मुताबिक मामले को मैनेज करने के प्रयास शुरू किए जा चुके हैं। पुख्ता सूत्रों का दावा है कि सीएम ऑफिस में तैनात एक ओएसडी ने एफआईआर कराने की अहम भूमिका निभाई थी। तो ये तमाम सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि आखिर कार्रवाई कब होगी, गिरफ्तारी मंत्री के भाई की कब की जाएगी और ऐसे में सफाई देने से क्या वाकई पाक साफ मान लिए जाएंगे मंत्री कपिल देव अग्रवाल? कपिल देव अग्रवाल तो अपनी तरफ से सफाई देने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके स्टेटमेंट के आधार पर उन्हें पाक साफ मान लिया जाए, ये कितना उचित है? ये बेहद अहम सवाल यहाँ बना हुआ है। और मंत्री के भाई पर गिरफ्तारी की तलवार जो लटकी हुई, तो आखिर गिरफ्तारी कब होगी, ये भी एक सवाल। दरअसल ये कहा जा रहा था कि अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद से सरकार और संगठन के मंत्री ने बदनामी कराने का काम किया। तो मंत्री कपिल देव, मंत्री के भाई और मोबाइल कंपनी के मालिक ने विपक्ष को मौका दिया है ये कहना है, और साथ ही सफाई देने से पाक साफ होंगे या नहीं होंगे, ये बेहद अहम सवाल यहाँ बना हुआ है कि कपिल देव पर जो तलवार लटकी हुई है और जिस तरीके से उनका ये कहना है कि उन्हें बदनामी जानबूझकर उन्हें बदनाम करने का काम किया जा रहा है, मंत्री के भाई को भी बदनाम करने का काम किया जा रहा है, ये एक मामूली सा बात था और मामूली सा एक मुद्दा था जिसको जानबूझ करके इस पर सियासत की जा रही है। दरअसल एक मोबाइल कंपनी के एड के तौर पर कपिल देव की तस्वीर छपी थी, साथ ही साथ सीएम और पीएम की तस्वीर भी उस होर्डिंग पर लगी हुई थी, जिसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया। और इस पर अधिक जानकारी के लिए एसके वाजपेयी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है, क्या कोई यहाँ पर जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि मंत्री कपिल देव के जो भाई बताए जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर पूरे मामले में जहां मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक मंत्री के भाई समेत जो चार अन्य आरोपी हैं किसी को भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। हालांकि कल लखनऊ के डीसीपी सेंट्रल से जब न्यूज वन इंडिया ने बात की थी, तो उन्होंने साफ कहा था कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, पूरे मामले की जांच की जा रही है, कौन कौन लोग इसके पीछे रहे हैं और आखिर उनकी मंशा क्या थी, इस चीज का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और जो आरोपी हैं उनके मोबाइल फोन कवरेज में नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए 24 घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक पुलिस के हाथ फिलहाल कुछ नहीं लगा है, तो ये सीधे तौर पर है कि मामला हाई प्रोफाइल है, कहीं ना कहीं पुलिस भी एक एक कदम फूंक कर रख रही है पूरी तरीके से। अगर हम देखें कि अगर इस जगह पे कोई आम आदमी होता तो शायद उसके साथ अब तक पुलिस बड़ी कार्रवाई कर चुकी होती, लेकिन चूंकि मामला एक हाई प्रोफाइल मंत्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस पूरे मामले में कुछ भी करने से बच रही है। हम कहें कि पूरे मामले को कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों में डिले किया जा रहा है, क्योंकि जो एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है, सबसे बड़ी बात यह है कि उन एफआईआर में जो भी आरोपी है उनके घरों के पते भी दर्ज है, तो निश्चित है कि पुलिस को घर पता है। लेकिन इसके सवाल यहाँ ये भी बनता है, जिस तरीके से कपिल देव ने सफाई तो दे दी, तो क्या उनके सफाई देने के बाद वो पाक साफ मान लिए जाए, क्या उनकी कोई गलती नहीं थी इसमें? बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री हैं, व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास जैसा उनके पास बड़ा विभाग है, बावजूद इसके जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं कि कंपनी की जो ये गलती है, तो निश्चित है कंपनी भी उनके भाई की है, और जिस तरीके के पोस्टर्स उन्होंने जारी किए हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कंपनी पे सारी बात डालने की कही है कि कंपनी की तरफ से ऐसा विज्ञापन दिया गया जिसे सिर्फ एडवर्टाइजिंग कंपनी ने छापा है। लेकिन सवाल यही है कि अगर कोई भी कंपनी कोई भी आपको एडवर्टाइजमेंट देगी तो उसको क्या छापने के लिए जो नॉर्म्स हैं उनका पालन किया गया है, ये बड़े सवाल जरूर है, खासतौर पर जब उनके खुद के भाई की कंपनी हो तो सवाल और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मंत्री आखिर इन चीजों को क्यों डिले कर रहे हैं, उनके भाई सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार में खुद मंत्री हैं, ऐसी स्थिति में उनके भाई का सरेंडर न करना बड़े सवाल जरूर खड़े करता है। और पुलिस के हाथ जिस तरीके से खाली है, तो कहीं ना कहीं हम कहें कि पुलिस पूरे हाई प्रोफाइल मामले को देखते हुए पूरे मामले में बीच बचाव की स्थिति में है, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के दो आईपीएस अफसर जब वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं तो उनके घर पर डुंडुगी पीटी जा
रही है, उनको नोटिस दिया जा रहा है, उनके खिलाफ में लुकआउट नोटिस जारी हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से एक मंत्री के भाई के जब मामला पूरी तरीके सामने आया है, पुलिस ने केस दर्ज किया हुआ है, गंभीर धाराओं में मामला है, 167 जैसे मामलों में भी गिरफ्तारी न होना, 24 घंटे का समय बीत जाना, ये बड़े सवाल जरूर खड़ा करता है। हालांकि सीएमओ कार्यालय की निश्चित तौर पर नाराजगी है, क्योंकि सीएम कार्यालय से फोन जाने के बाद, पूरे मामले को संज्ञान में लेने के बाद लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली ने केस दर्ज किया था। तो निश्चित है कि कार्रवाई होनी है, लेकिन आखिर पूरे मामले में डिले क्यों हो रहा है, ये बड़े सवाल जरूर मंत्री पर खड़े हो रहे हैं जी। लेकिन इसके सवाल यहाँ जिस तरीके से अभी आपने ये भी कहा कि सवाल बनता है पुलिस पर भी कहीं ना कहीं कि अगर इतने धाराओं के तहत ये मुकदमे दर्ज किए गए तो अब तक गिरफ्तारी मुमकिन क्यों नहीं हो पाई है, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो मंत्री है वो अपने किए पर जरा सा भी पछतावा नहीं जता रहे हैं, वहीं दूसरों पर दोष मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको लेकर के क्या अब तक कोई और भी सफाई दी गई है और लोगों का इस पर क्या कुछ रुख है? बिल्कुल, जहां तक मंत्री का सवाल है, उन्होंने पूरे मामले को कंपनी से जोड़ दिया है कि जो मोबाइल कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दिया उसको प्रसारित किया गया है, जिसमें कंपनी ने अपनी तरफ से क्षमा याचना भी कर ली है। लेकिन इतना कहने से मंत्री बच नहीं सकते हैं, क्योंकि जब इनॉग्रेशन हो रहा था, लखनऊ के प्रतिष्ठित होटल में कार्यक्रम था, उस दौरान भी वो मौजूद थे, उसके बाद उनके भाई की कंपनी को एडवर्टाइजमेंट दिया गया, ये बात भी उनकी जानकारी में, और जिस तरीके से कल से आज तक न्यूज वन इंडिया ने खबरें चलाई हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात भी मंत्री जी के संज्ञान में है, और मंत्री जी से सीधे न्यूज वन इंडिया की टीम ने बात भी की थी, जिसमें उन्होंने अपनी सफाई पेश की थी। हालांकि उसके बाद से वो पूरे मामले में बचते हुए नजर आए और कोई भी नई बात वो नहीं बता रहे हैं। ये जरूर उन्होंने कहा था कि जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसके तहत उनके भाई पुलिस के सामने आएंगे और जो भी जांच और बाकी प्रक्रिया है उसमें सहयोग करेंगे। लेकिन अभी 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उनके भाई की तरफ से कोई ऐसा सहयोग होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जहां तक उनके भाई का सवाल है, उन्होंने अपना फोन बंद कर रखा है और फिलहाल एसके यहाँ पर कपिल देव का बयान भी हमने अपने दर्शकों को सुनाया था, जिसमें कपिल देव ने खुद ये बात कहा था कि अगर किसी के छवि का इस्तेमाल किया जाता है तो उनसे वाकई में उनसे भी एक बार जानकारी लेनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए परमिशन की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर कपिल देव ने अपनी तस्वीर का इस्तेमाल किया ठीक, लेकिन सीएम और पीएम के तस्वीर का इस्तेमाल करना होर्डिंग पर कितना जायज माना जाए? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा है, रिंगिंग बेल नाम से एक कंपनी आई थी, फ्रीडम 251 नाम से उसने मोबाइल लॉन्च किया था और उसने 251 रुपए में मोबाइल देने का झांसा दिया था, बड़े पैमाने पर लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे, बाद में वो कंपनी लापता हो गई और आज तक किसी को मोबाइल नहीं मिला। तो उसी तरीके की स्थिति दोबारा इस कंपनी के माध्यम से बन रही थी, क्योंकि जिस तरीके से पोस्टर्स लगाए गए पीएम मोदी और सीएम योगी के फोटोज थे, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक भ्रम पैदा करने की स्थिति जरूर हुई। और जिस तरीके से पुलिस ने अपनी जो FIR दर्ज की है उसमें भी इन चीजों का जिक्र है, तो ये बड़े सवाल जरूर है कि आखिर बिना किसी कंसर्न के, बिना किसी पूर्व अनुमति के, बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के इस तरीके के पोस्टर लगाना कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित कर एक बड़ा जो है नेक्टस फैलाने की कोशिश थी, क्योंकि कंपनी अपने पूरे बैकग्राउंड और डिटेल्स और कंपनी के पास उपलब्ध प्रोडक्ट की जानकारी देने के बजाय सीधे तौर पर इन पोस्टर्स के माध्यम से डीलर बनाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि ये मामला न्यूज वन इंडिया खासतौर पर बेहद अहम सवाल तो तब बन जाते हैं जब ये पॉलिटिकल पार्टीज है, और पॉलिटिकल पार्टीज होने के बावजूद अगर इस तरीके की हरकत की जाए, ऐसा काम किया जाए कि बिना किसी के इजाजत के उसकी छवि का इस्तेमाल कर लेना, इस तरीके से होर्डिंग लगा देना और ऐसे प्रचार करना किसी प्रोडक्ट का, बिल्कुल बड़े सवाल जरूर हैं। और इन्हीं को लेकर ये सारे केस दर्ज हुए हैं, क्योंकि जो एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई, लोगों को गलत संदेश देने की कोशिश की गई थी, कहीं ना कहीं उस माध्यम से अपना इकोनॉमिक गेन करने की कोशिश कंपनी की तरफ से जरूर की गई थी, जिसको लेकर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। अब इस मुकदमे के बाद कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है, ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। हालांकि मंत्री जरूर बचाव की स्थिति में है, भाई उनका जो अंडरग्राउंड है सरेंडर नहीं कर रहा है, और पुलिस भी फिलहाल अभी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं, क्योंकि हमने इंस्पेक्टर से लेकर DCP और लखनऊ के CP तक बात की, फिलहाल वो सभी इस मामले में बचते हुए नजर आए। हालांकि मीडिया के दबाव के बाद DCP संतल ने जरूर बयान दिया, लेकिन उनके बयान को दिए हुए भी करीब 12 से 13 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी कोई कार्यवाही पुलिस की तरफ से नहीं हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो पूर्वांचल के मोबाइल कंपनी और पश्चिम के मंत्री के बीच में क्या गठजोड़ है, ये जो एक सवाल बना हुआ है यहाँ पर, पूरब और पश्चिम के इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए, और फेस चेन मोबाइल कंपनी के CEO और संस्थापक सुल्तानपुर से ये बताए जा रहे थे, और लखनऊ में जो कमिश्नर को ये जांच दी गई थी उन्होंने अपनी जांच को शुरू कर दिया है। आखिर कंपनी स्वदेशी है जिसने मोबाइल बनाने का ऐलान किया, और उसके बाद से जिस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टी
जो कि एक मोबाइल बेचने को लेकर के मार्केट में उतरती है और कहीं ना कहीं बिना इजाजत के किसी की छवि का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से होर्डिंग्स पर जब उनकी छवि इस्तेमाल की जाती है, पीएम और सीएम की तस्वीर लगाई जाती है, तो ये गंभीर मुद्दा बन जाता है क्योंकि बिना किसी के इजाजत के कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप बिना किसी के इजाजत के किसी की छवि का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही ये पूरा मामला सीएमओ के संज्ञान में आया, तुरंत इस पर एक्शन लेने को कहा गया। लेकिन अब यहाँ पर लापरवाही प्रशासन की तरफ से भी देखी गई है कि अगर इस पर कार्रवाई करने को कहा गया तो अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों मुमकिन नहीं हो पाई है।